हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल योर कॉमरेड। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी कि जानने वाले हैं कि SBI आधार लिंकिंग का ऑप्शन ऑनलाइन है या नहीं है। अगर है तो फिर क्या बता रहा है, क्योंकि कल का एक मैंने वीडियो में देखा कि वो बंदा करता है क्या है कि योनो SBI पे लेके जाता है, वहाँ बताता है कि लिंक हट गया है, फिर उसको लास्टली www.onlinesbi.com पे लाता है और पहले का अपडेट किया हुआ को दिखाता है और बोलता है कि देखिए मैंने इस तरह से अपडेट कर लिया है, तो वीडियो कैसा लगा। तो आप लोग परेशान ना हो, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि चलिए सही देखते हैं कि आखिर आधार लिंकिंग का ऑप्शन है या नहीं है, या फिर है तो क्या बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को आना होगा www.onlinesbi.com पे। यहाँ पे आने के बाद आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो होगा उसको देना होगा और फिर नीचे कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर देना है। तो हम लोग यहाँ पहला ऑप्शन यानी कि पहला तरीके से हम लोग यहाँ से देखेंगे और फिर सेकंड जो है मैं आपको योनो SBI पे ले जाके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल देता हूँ, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को जो 3 लाइन है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे माई अकाउंट एंड प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना होगा, यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा प्रोफाइल। हम लोगों को प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा माई प्रोफाइल। तो हम लोग यहाँ पे जो है माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे जो है हमारा प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल देता हूँ और फिर सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों प्रोफाइल पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है पैन कार्ड अपडेट, जस्ट पैन कार्ड के नीचे अपडेट है, आधार नंबर जस्ट नीचे अपडेट है, ईमेल आईडी जस्ट नीचे अपडेट है और आपका नीचे मोबाइल नंबर रहेगा और ऊपर जो है आपका एड्रेस रहेगा। तो देख सकते हैं ना दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे पैन नंबर है, आधार नंबर है। तो चलिए अभी जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले आधार नंबर के जस्ट नीचे अपडेट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या बताता है जब हम इस पर अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। अपडेट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या बता रहा है, प्रेजेंटली आधार लिंकिंग सर्विस आर नॉट अवेलेबल। तो इसलिए दोस्तों अभी जो है फिलहाल बहुत सारा देख रहे हैं वीडियो बन रहा है आधार लिंकिंग स्टेटस पे, तो बिल्कुल ही आप परेशान ना हो, आपको जो है सही इन्फॉर्मेशन देना था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देख सकते हैं अभी जो ये सर्विस जो है अनअवेलेबल है। इसके बाद चलिए मैं आपको बैक आके दिखाता हूँ और एक जो ऐप है उस ऐप की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरा जो है दोस्तों ये है योनो लाइट SBI, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिक्वेस्ट पे, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आधार, इसी आधार पे हम लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर आधार लिंकिंग के ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब आधार लिंकिंग पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर भी आपको यही बताएगा कि टेम्प्रोरली सर्विस इज अनअवेलेबल। यानी कि दोस्तों इस वीडियो से हम लोगों ने सीखा कि अभी जो है SBI आधार लिंकिंग का ऑप्शन जो अभी हटा दिया गया है ऑनलाइन, यानी कि यहाँ पर बता रहा है कि टेम्प्रोरी जो है उसको हटा दिया गया है। तो अभी जो है आधार लिंकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जो है ब्रांच ही जाना होगा। तो और बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।